टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली का संयुक्त किसान मोर्चा टोहाना द्वारा आज पुतला फूंका गया है। उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट किया था, इसी विरोध को देखते हुए किसानों द्वारा आज टोहाना के अंदर देवेंद्र सिंह बबली का पुतला फूंका गया है और किसान विरोधी होने के नारे भी लगाए गए हैं। आप ये हम मिलाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। इन्होंने सारे पिंडा फोन किए भी वो तो वे दफ्तर चाहो, दफ्तर जाके अगर सलाह मशवरा करना है। 10 बजे से मीटिंग रखती तो विधायक जी आप चंडीगढ़ बैठे ने, इतने उन्होंने भाई कर रहे हैं। साढ़े संयुक्त मोर्चे के मैंबरों भी दो तिना सद्या भी उत्तर दफ्तर चाह जाओ, पर संयुक्त मोर्चे ने साफ मना करता। उन्होंने कहा भी तुम उत्थे सरकार के खिलाफ वोट पा के आओ, असी थोड़ा पूरा धूमधाम स्वागत कराए, थोड़ू गले लावे, असी बकायदा बयान जारी किया। पर उत्थे सद के मान लो साढ़े इतने किसान लीडर जाम लोग उत्थे जा वड़दे किसान तो बाद चो सरकार के पक्ष च भुगते आते तो उन्होंने पले की रहा। ये सारा सारा किसान मोर्चे को भी बदनाम करने वाला काम कर रहे थे, एक खेड खेड रहे थे जिदे च सफल नहीं हो सके। कोई गल नहीं, हुण सरकार नाल खड़ना असी आपके स्टैंड ते खड़े हाँ। या इसको कोई लालच दे रखा हुआ मंत्री पद का, इसलिए जो है वो आगे नहीं आ रहा है। अगर जाइयो ऐसा करता तो ये लोगों को ये कहता कि जो ना मैं अपना जनता जो ना ये जो ना विधायक जो ना कुर्सियों पर जो ना चिपके हुए, ये अपने आप को यूं नहीं क्यों नहीं कहता कि मैं भी कुर्सी के चिपके आ, कुर्सी कोई नहीं छोड़ने के लिए राजी, वो जनता बाढ़ में पड़ो, इनकी अपनी कुर्सी की जरूरत है। पर पहले तो इसने विश्वास दे दिया जनता को, हम इसके वहाँ इसके मकान पे गए थे, वहाँ यू मिला नहीं इसके भाई को, जो मैं दे गए वो अपना विश्वास प्रस्ताव दे के जन इसको वहाँ आए थे, इसके भाई ने या इसके खुद ने जो है ये कहा था कि भाई मैं किसानों के साथ हूँगा, आवाज़ उठाऊंगा, सारे काम करूँगा, लेकिन इन्होंने आवाज़ जरूर उठाई और किसानों के साथ नहीं आया। पुतला फूंक रहे हम, देवेंद्र बबली जो है एक जेजेपी का जो है विधायक है, ये हमारा हमने जो है इसको वोट देकर एक असल में जो है गुणा किया है। हमें ये नहीं पता था कि देवेंद्र बबली जो है इतना बदलाव में आ जाएगा। देवेंद्र बबली को हम अपना सही असली किसानों का हम सही समझ रहे थे, इसीलिए जो है इसको जो है हर किसान ने जो है हर मजदूर ने जो है इसके साथ लगकर जो है इसको वोट डाले हैं, लेकिन इसका कोई भी जो है वो नहीं ये सोचता है कि जो है किसान मेरे जो ना दुश्मन है, किसानों को दुश्मन समझ के जो है अपनी पार्टी नहीं छोड़ना चाहता। राजनीति है जी, इन्होंने सारे पिंडा फोन किए भी वो तो वे दफ्तर चाहो, दफ्तर जाके अगर सलाह मशवरा करना है। 10 बजे से मीटिंग रखती तो विधायक जी आप चंडीगढ़ बैठे ने, इतने उन्होंने भाई कर रहे हैं। साढ़े संयुक्त मोर्चे के मैंबरों भी दो तिना सद्या भी उत्तर दफ्तर चाह जाओ, पर संयुक्त मोर्चे ने साफ मना करता। उन्होंने कहा भी तुम उत्थे सरकार के खिलाफ वोट पा के आओ, असी थोड़ा पूरा धूमधाम स्वागत कराए, थोड़ू गले लावे, असी बकायदा बयान जारी किया। पर उत्थे सद के मान लो साढ़े इतने किसान लीडर जाम लोग उत्थे जा वड़दे किसान तो बाद चो सरकार के पक्ष च भुगते आते तो उन्होंने पले की रहा। ये सारा सारा किसान मोर्चे को भी बदनाम करने वाला काम कर रहे थे, एक खेड खेड रहे थे जिदे च सफल नहीं हो सके। कोई गल नहीं, हुण सरकार नाल खड़ना असी आपके स्टैंड ते खड़े।